हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था, है ना। उसी से रिलेटेड आज और भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल, है ना। एंड उसके बाद फिर देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्क से रिलेटेड और एक दो टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, जिसे देखो क्या है, ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ये क्या है, डिस्क है, है ना, यही क्या है, इसका सेंटर है। क्या है, सेंटर दिया हुआ है। ये इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, रेडियस क्या है, r है, और वही क्या है, इसका सेंटर है। एक पॉइंट क्या है, यहाँ p है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, रूट थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो, आई मीन ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, है ना। अब इस पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या किया गया है कि यहाँ से पी पॉइंट से, है ना, पी पॉइंट से एक चार्ज, एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल जिसका, जिस पे चार्ज क्या है, क्या है, माइनस क्यू है, और उसका मास क्या है, एम है, रिलीज किया गया है ना। क्या किया गया है, रिलीज किया गया है ना। ये चार्ज, ये पार्टिकल ऑफ चार्ज एम, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज डिस्क, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल रीचेज एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, है ना, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट पी रूट थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो, है ना, एज शोन इन द फिगर, है ना। क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लो कि क्या है, एक डिस्क है, है ना, डिस्क पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट रूट थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो दिया हुआ है ना। वहां से कोई एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और मास क्या है, एम है, उसको रिलीज किया जा रहा है। रिलीज का मतलब क्या होगा, यहां जस्ट उसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जब ये चार्ज पार्टिकल डिस्क के सेंटर पे पहुंचेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, वही क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। पहले तो हम क्या लिखेंगे कि पहला जो एक मेथड होगा कि बाय यूजिंग पोटेंशियल, आई मीन वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा मेथड या पहला मेथड क्या होगा, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा क्या होगा, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों तरह से हम इसको सोचेंगे, ठीक है, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, M1 आई मीन क्या होगा, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी
एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने बताया था कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक, देखो तो यहां फोर्सेस क्या लग रहे हैं। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W total, I mean total work done by all the forces that acting on the charge is equal to change in kinetic energy of the charge, है ना, क्या होगा change in kinetic energy, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं delta ke, और इसको क्या लिख सकते हैं delta ke को क्या लिख सकते हैं ke f minus ke क्या होगा I, है ना। और यहां देखो W total, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे W टोटल, तो आप क्या लिखेंगे, देखो इनिशियल पॉइंट क्या होगा P होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा O होगा, क्या होगा इनिशियल आई मीन जहां से चार्ज मूव करना शुरू किया, और फाइनल क्या होगा जहां हम प्रेजेंट पोजीशन चार्ज का क्या हो, क्या होगा फाइनल पोजीशन होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा के ई एफ माइनस के ई क्या होगा आई, के ई एफ लिखें तो यहां क्या लिखेंगे के ई एट ओ माइनस के ई एट क्या होगा पी, आई मीन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ आई मीन सेंटर ऑफ द डिस्क, ए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी आई मीन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इनिशियली एज वी नो दैट द चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट पी देन ए क्या हो जाएगा दिस विल बी क्या हो जाएगा जीरो। तो यदि हम कंसिडर कर लें कि यहाँ उसका वेलोसिटी क्या है वी ओ है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv² है ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है वर्क निकालना है। वर्क क्या होगा देखो तो यहाँ फोर्सेस कौन से लग रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और एज वी नो दैट ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाई क्या होगा, देखो तो वर्क डन बाई फील्ड फोर्स, इसको लिख देता हूँ क्या लिखेंगे फील्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा मूविंग चार्ज इंटू इनिशियल पोटेंशियल आई मीन वी आई माइनस क्या होगा वी एफ, है ना, क्या होगा वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स इज इक्वल टू मूविंग चार्ज इनटू इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, है ना। और मूविंग चार्ज को क्या करना है, मैंने कई बार बताया है कि मूविंग चार्ज को मुझे क्या करना है साइन के साथ रखना है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहां हम लिख सकते हैं मूविंग चार्ज आई मीन माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा वी आई माइनस क्या होगा वी एफ, वी आई क्या होगा यहाँ वी पी, और वी एफ क्या होगा वी एफ क्या होगा वी एफ क्या होगा आई मीन वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और ये क्या होगा पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहां इसको इक्वेशन हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर ले रहे हैं। अब देखो तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स। अब x का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो यहां से देखोगे तो यही क्या है x है क्या आई मीन x इक्वल टू यहां क्या दिया हुआ है √3r दिया हुआ है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इंटू एक्स का वैल्यू रखो तो ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 3r² माइनस √3r है ना, क्या होगा माइनस √3r हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको आप यदि कैलकुलेट करो है ना तो ये क्या हो जाएगा देखो वी पी आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा आर अपॉन 2 ε₀ इंटू 2 √3 यही होगा क्या सिग्मा। आप सिग्मा का वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होगा देखो यहां सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर है ना, क्या लिखेंगे चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन 2 ε₀ r इंटू 2 √3 है ना। अब पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट पे मालूम चल गया है ना, दूसरा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्या होगा ओ, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ कितना होगा देखो तो आप लोग जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इंटू क्या होगा आर, और देखो इस एक ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ का मतलब क्या हुआ यहाँ x इक्वल टू हम क्या रख देंगे जीरो रख देंगे, तो कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 ε₀ इंटू आर,
तो ये कितना हुआ आर, इसको क्यू का जो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इप्सिलन जीरो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। अब दोनों जगह क्या हुआ, अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा, आसानी से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वर्क कितना होगा, अब हम क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू लिख देंगे, वर्क क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, वर्क आई मीन W फील्ड, हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई फील्ड फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्या होगा, VP, क्या होगा VP, आई मीन क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलन जीरो आर इंटू 2 माइनस रूट 3 माइनस क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलन जीरो क्या है, आर है, यही क्या हो गया, वर्क डन मिल गया, है ना, ठीक है। क्या हुआ, फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड फोर्स, क्या होगा, माइनस क्यू इंटू, अब क्या करोगे, देखो इसमें से क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलन जीरो आर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 माइनस कितना होगा, 2 माइनस 1 है ना, माइनस क्या होगा, √3 है ना, कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्यू के क्यू 2 पाई एप्सिलन जीरो आर, मैंने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस क्या हुआ, 1 हो गया, तो वर्क डन बाई फील्ड फोर्स क्या हुआ, मालूम चल गया। ऑफ कोर्स फील्ड फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और देखो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब मालूम चल गया, इसको हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 3 है ना। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड 3 क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W टोटल इक्वल टू 1/2 एम वी नट स्क्वायर, वैल्यू रख दो तो W टोटल क्या है, तो 1/2 एम वी नट स्क्वायर इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलन जीरो आर इंटू √3 माइनस क्या हुआ, 1 है ना। यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वी का वैल्यू कैलकुलेट, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी एट द सेंटर, आई मीन वेलोसिटी एट द क्या होगा, सेंटर, ये देखना, वी से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वी क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी है, आप यदि कंफ्यूज हो गए तो इसको वी लिख लेना, सिंपल है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने वी लिख दिया तो सिंपल है ना, कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों सेम लेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन पाई एम इप्सिलन जीरो आर इंटू √3 माइनस क्या हुआ, 1 है ना, √3 माइनस क्या हुआ, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, यहां भी मैं आपको बता देता हूं, सेम ही रिजल्ट आता है, उससे भी क्या है, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे दोनों में, आइदर वर्क एनर्जी थ्योरम और क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों में से कोई भी एक आसानी से यूज करके और आप आंसर ला सकते हो, है ना। तो M2 क्या है, मेथड 2 क्या है, है ना, मेथड 2 क्या है, बाय यूजिंग है ना, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी, है ना, क्या होगा, आई मीन देखो, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, टोटल इनिशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट क्या होगा, फाइनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, वो आई मीन यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ है ना, आई मीन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस इलेक्ट्रिक, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट O प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट O, है ना। अब देखो ये क्या है, इनिशियली क्या है कि P पॉइंट पे पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, है ना। अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी आई मीन ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू काइनेटिक एनर्जी एट ओ इक्वल टू यू एट पी माइनस यू एट ओ। क्यों, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये इक्वेशन वन हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बेसिक डेफिनेशन अपने को मालूम है पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी और क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हम वहां से कैलकुलेट, देखो तो ये क्या था कि U फाइनल, आई मीन क्या लिखा था, U माइनस U इन्फिनिटी अपॉन, ये क्या था, मूविंग चार्ज इक्वल टू V माइनस V इन्फिनिटी एट V इन्फिनिटी, यही था क्या, याद आया आप लोगों को शायद, जब मैंने क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट मूविंग चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मूविंग चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो अब यदि मैं मान लूं कि रेफरेंस पॉइंट हम यदि कहां कंसीडर कर लें, इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, यू जीरो और क्या होगा, वी क्या होगा, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड मूविंग चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये क्या हुआ, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज एट एनी पॉइंट, है ना, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या होगा, एट दैट पॉइंट, है ना, इनटू क्या होगा, ये क्या होगा, मूविंग चार्ज, ये याद रखना है, मूविंग चार्ज विथ प्रॉपर साइन, क्या है, विथ साइन, याद रखना है, क्या है, विथ साइन। अब यदि मुझे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज, आई मीन चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द डिस्क एसोसिएटेड विथ चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू वहां रख दे, तो हम यदि रखें, है ना, आई मीन इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर ले, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, क्या लिखेंगे, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड, क्या लिख सकते हैं, देखो तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ, आई मीन हाफ एम वी नट स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या है, माइनस क्यू, हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वी पी, है ना, माइनस क्या हुआ, माइनस वी ओ। देखो यही रिजल्ट मैंने बताया था, क्या यही रिजल्ट बताया था ना, अब क्या करोगे, 1/2 एम वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, अब इसका वैल्यू रख दो, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या था, Q
क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर, मैंने कॉमन ले लिया, ये कितना था, वन माइनस रूट थ्री आया था, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन वी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो क्या होगा, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो एम आर इंटू रूट थ्री माइनस वन, है ना। यही क्या हुआ, वेलोसिटी एट क्या हुआ, सेंटर ऑफ द डिस्क हो गया, ठीक है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नहीं, सेंटर से हमने क्या किया, चार्ज को क्या किया, एक्सिस के अलोंग फेंक दिया, है ना, किसी वेलोसिटी से, और मान लो कि चार्ज चार्ज क्या है, निगेटिव है, और डिस्क पे क्या है, चार्ज पॉजिटिव है। तो ये पूछा जाए कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जा करके पार्टिकल क्या हो जाएगा, मोमेंटली रेस्ट में होगा। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो आप उस टाइप के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लेना, है ना। दूसरा इसमें एक टाइप है कि ओरिजिनल डिस्क है, आई मीन एनुलर डिस्क, क्या है, एनुलर डिस्क से रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड अलग नहीं है, दोनों मेथड क्या है, सेम है, लेकिन मैंने इसलिए दोनों मेथड डिस्कस किया, क्यों, क्योंकि आपको ये भी आ जाए कि हाउ टू यूज या हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई मीन वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आओ आइए फिर हम इसे दूसरा न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं, दूसरे टाइप का, है ना। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एनुलर डिस्क से है ना, ठीक है, क्या है, एनुलर डिस्क से न्यूमेरिकल रिलेटेड है। देखो क्या है, ये क्या है, इनर डिस्क है ना, ऐसे कंसीडर कर ले रहा हूं मैं, और एक क्या है, आउटर डिस्क है ना। यहां क्या है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, और इस पे प्लस चार्ज कितना है, क्यों, यही क्या है, सेंटर है वो, और इससे कहीं एक्सिस पॉइंट पी है, चलो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, रूट थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो मान लेते हैं, है ना, यही क्या है, पॉइंट पी है, सेंटर से इसका डिस्टेंस आप ऐसे सोचो कितना है, रूट थ्री आर दिया हुआ है, सॉरी रूट थ्री आर मान रहे हैं जैसे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द क्या है, एक्सिस ऑफ द क्या है, ऑफ द डिस्क, ठीक है। इसको दो तरह से हम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड पहले भी हम न्यूमेरिकल देख चुके हैं, इनर रेडियस क्या है, ए है, और आउटर रेडियस क्या है, इसका बी है, क्या है, इनर रेडियस क्या है, ए है, और आउटर रेडियस क्या है, बी है। ये किस टाइप का डिस्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर, एनुलर डिस्क, ठीक है, क्या है, एनुलर डिस्क है। तो इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक तो क्या है, एक सिंपल हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट, आई मीन इसको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक हम क्या करेंगे, डिस्क में डिवाइड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ एक डिफरेंशियल डिस्क के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। दूसरा क्या है, हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, यहां सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आई मीन टोटल चार्ज अपॉन क्या होगा, एरिया, यही होगा ना। तो यही क्या है, एनुलर डिस्क है। अपने को क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, फाइंड, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कहां पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट, है ना, देखो दोनों मेथड से मैं बता रहा हूं, लेकिन आसान क्या होगा, सेकंड मेथड होगा, जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मैं यूज करके बताऊंगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, तो शायद आप लोग उसको यूज करके खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं कि यहां से क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से, है ना, क्या करेंगे, इसके सेंटर से, है ना, आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ का हम क्या करेंगे, डिस्क हमने क्या किया, कंसीडर किया। इसको मैं इधर दिखा देता हूं, है ना, इसका इनर रेडियस क्या है, क्या है, आर है, और इसका थिकनेस क्या है, डी आर है, ठीक है। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से, यहां मैंने ड्रॉ कर दिया हूं डिस्क, ठीक है। यही क्या है, डिस्क का सेंटर ए क्या है, पॉइंट पी है ना, इसका यहां से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रूट थ्री आर दिया हुआ है,
ठीक है ना, यही इस पे चार्ज है ना, चार्ज डी क्यू मैंने कंसीडर कर लिया, क्या चार्ज दिया हुआ है डी क्यू, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। देखो तो इसके द्वारा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ यदि हम लिखें क्या लिखेंगे, देखो यदि मैं लिखूँ कि डी वी पी, ये कल भी बताया था इसके पहले क्लास में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिफरेंशियल चार्ज रिंग एट पॉइंट पी कितना होगा, तो के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या है आर है, ये क्या है रूट थ्री आर है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा रूट थ्री आर, या सबसे अच्छा है आप एक्स लिख लो, है ना, बाद में हम इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, बाद में हम वैल्यू रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाद में एक्स इक्वल का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब डी क्यू का भी आप वैल्यू रख सकते हो, तो डी क्यू का वैल्यू कितना रखोगे, देखो तो डी वी पी इज इक्वल टू डी क्यू क्या होगा के सिग्मा टू पाई आर क्या होगा डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये अपने को मालूम चल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो तो क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करना है इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, पहले हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो अब हम लिख सकते हैं देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एनुलर डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा के सिग्मा पाई, है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा इंटीग्रेशन, देखो तो लोअर आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ए होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बी होगा, तो हम लिखेंगे ए टू क्या हो जाएगा बी, ठीक है, क्या होगा टू आर डी आर अपॉन क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है टू आर डी आर, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे पावर फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये बताया भी था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो के है ना क्या होगा, क्या होगा सिग्मा अपॉन फोर इप्सिलन जीरो, है ना, इसको आप यदि डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए टू बी है ना क्या लिख सकते हैं टू आर डी आर, उसके बाद ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस वन बाई टू, अब पावर फार्मूला यूज करो तो पावर एक वन बढ़ा देते हैं और वन इंक्रीज करा करके और फिर क्या करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो ये डायरेक्ट लिखोगे तो कितना हो जाएगा टू सिग्मा अपॉन फोर इप्सिलन जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या होगा ए टू क्या हो जाएगा बी, तो यही क्या हो गया पी इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन टू इप्सिलन जीरो, है ना, वैल्यू रखो तो क्या लिख सकते हो, देखो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ आप चार्ज का वैल्यू भी रख दो तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू, देखो तो क्यू अपॉन कितना होगा टू पाई इप्सिलन जीरो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा रूट थ्री आर, बाद में आप रख लेना एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यदि आप क्या करोगे ई का वैल्यू रख दोगे सॉरी आर एक्स का वैल्यू रख दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे क्या होगा मालूम चल जाएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो यही क्या हो गया इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना एट क्या हुआ पॉइंट क्या हुआ पी, ठीक है, ड्यू टू एनुलर डिस्क, यदि पॉसिबल हो तो आप इसको माइंड में रखना, नहीं तो कैसे सॉल्व करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना जरूरी है लेकिन कैसे रटना है समझ करके रटना है, कैसे रटना है समझ करके रटना है ना। तो ये फर्स्ट मेथड था है ना, इसको हमने क्या रखा नाम रखा था M1। दूसरा मेथड जो है डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करेंगे बिना इंटीग्रेशन का, है ना, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कैसे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहां क्या करोगे x इक्वल टू तुम क्या रख देना
x इक्वल टू रूट थ्री आर रख देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड इससे दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है आपको डिस्क से रिलेटेड, है ना। जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, हमने चार्ज डेंसिटी क्या किया, कांस्टेंट भी रखा था, वेरिएबल भी रखा, सबको यूज करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो मेथड टू में क्या है, मेथड टू ये आसान मेथड है ना। देखो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, एक ओरिजिनल डिस्क मान लिया क्या है, जिस पे क्या है प्लस चार्ज है, है ना, ठीक है, क्या है प्लस चार्ज है ना, ओ इसका रेडियस, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है ना, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस आप मान लो क्या, ये ओ है सेंटर, और यही क्या है इसका रेडियस क्या है भी है। एक दूसरा डिस्क जो क्या हो, कॉन्सेंट्रिक हो, क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक, जिसका रेडियस क्या होगा, हमने क्या माना, रेडियस बी है ना, इस पे क्या चार्ज है माइनस, और यही इसका सेंटर है, इसका रेडियस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस पे कितना क्या चार्ज है, माइनस माइनस सिग्मा, इसको हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, डिस्क ए आई मीन, और ये क्या है बी। अभी क्वेश्चन ऐसे हुआ कि एक ओरिजिनल डिस्क है जिसमें जिसका रेडियस क्या है बी है ना, उसमें से क्या किया गया है, एक दूसरा डिस्क जिसका रेडियस क्या है ए है, उसको कट करके क्या किया गया है, रिमूव कर लिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, दैट दिस इज कॉल्ड एनुलर डिस्क, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करोगे, जब इसको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एनुलर डिस्क मिल जाएगा, है ना, क्या होगा, एनुलर डिस्क मिल जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यही क्या होगा, आपका एनुलर डिस्क मिल गया है ना, क्या हुआ, एनुलर डिस्क, यही सेंटर हो गया, ए रेडियस ए हुआ, ए रेडियस क्या हुआ बी हुआ, इधर प्लस क्यू चार्ज या सिग्मा जो भी है, सिग्मा मिल गया आपको, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, है ना, क्या होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ए, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क बी, है ना, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डिस्क ए, है ना, और दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एट पी ड्यू टू डिस्क बी। अब हम जानते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना है। अब VA कितना होगा, ये भी आपको मालूम है, देखो तो V प्लस कितना होगा, V प्लस इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो स्क्वायर रूट ऑफ, क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा क्या, है ना, माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स या मॉड एक्स जो भी आपको, सिमिलरली वी माइनस इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस यहां लिख देता हूं, है ना, वी माइनस इक्वल टू क्या होगा, देखो वी माइनस इक्वल टू क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर आई मीन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। अब आसानी से देखो, क्योंकि फॉर्मूला मुझे मालूम था, डायरेक्ट हमने क्या किया, वैल्यू, मैंने कितने टाइम बोला है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करो तो चार्ज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना हो तो चार्ज को क्या करना है, प्रॉपर साइन के साथ क्या करना है, रखना है, अदरवाइज क्या होगा, आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी डायरेक्ट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, देखो तो सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो दोनों में कॉमन है, तो सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो हमने कॉमन ले लिया, है ना, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, माइनस क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
ठीक है, वैल्यू रख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हुआ एनुलर डिस्क के द्वारा क्या हुआ पोटेंशियल। देखो दोनों से आंसर क्या आया सेम है, लेकिन ये आसान मेथड है तो आप कोशिश करना खुद से इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या करना खुद से इसको सॉल्व करने के लिए आप कोशिश करना है ना। तो यही क्या मिला आपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या हुआ पॉइंट पी ड्यू टू है ना ड्यू टू एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क है ना। आप लोग को इससे रिलेटेड अब तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से आपका यदि इंटीग्रेशन अच्छा लग रहा हो तो इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो, यदि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यूज करना हो तो इससे भी आप यूज करके आसानी से क्या कर सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनुलर डिस्क के द्वारा क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ग्रेविटेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन, जो ग्रेविटेशन हमने पढ़ा भी था, मैंने बताया था ग्रेविटेशन में यही कॉन्सेप्ट ही यूज होगा और इस टाइप का एनुलर डिस्क के द्वारा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। वहाँ पूछा गया है कि इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा गया है ना। तो आप इस टाइप का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, एक न्यूमेरिकल जो है होमवर्क देता हूँ है ना, उसको आप खुद से ट्राई करना दोनों मेथड से, ठीक है। तो देखो क्या है ना, ये क्या है होमवर्क, होमवर्क तो करते नहीं हो तुम लोग कोई भी, आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे शायद लिखा है उसमें से किसी ने आंसर भी नहीं पूछा कि आंसर क्या होगा है ना। मैंने सीट भी दिया तो तुम लोगों में से किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया है ना। तो स्कूल ओपन होने कोचिंग ओपन होने के बाद हम देखेंगे है ना, फिर जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं उनको रीजन बताना पड़ेगा, फिर तभी मैं क्लास में इंटर करने दूंगा है ना। अदरवाइज़ क्या होगा मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में इंटर करने के लिए है ना, क्योंकि होमवर्क क्यों नहीं हो रहा है इसका रीजन चाहिए मुझे है ना। तो ये क्या है देखो ध्यान से, अगेन क्या है एनुलर डिस्क है ना, क्या है अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये इनर रेडियस क्या है ये है और सॉरी आर है और आउटर रेडियस क्या है टू आर है, ठीक है टू आर है, और इस पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली क्या है क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ से क्या है ना आपको क्या करना है, यहाँ P पॉइंट पे क्या करना है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है रूट थ्री आर डिस्टेंस पे है। अब ये मत करना कि ये रिजल्ट दिया हुआ है इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दी और आंसर मिल गया, नहीं आप सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं ना। क्या फाइंड आउट करना है फाइंड, ठीक है चार्ज क्या मान लो क्यू मान लो, फाइंड है ना वी एट आई मीन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना पोटेंशियल एट क्या होगा एट पॉइंट पी एज सोन इन द फिगर है ना एज सोन इन द फिगर, ठीक है। ये होमवर्क है तुम लोग इसको ट्राई कर लेना है ना। और तो डिस्क पे जो डिस्क से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे बस यही क्वेश्चन था है ना, इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, चाहे आप कोई भी बुक देख लो है ना, जो भी आप इवन बीएम शर्मा एचसी वर्मा जो भी आपको बुक देखना है आप देख सकते हो, इससे अलग बस केवल आपको क्या करना है मेरा नोटबुक पढ़ना है और फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या है एक्सिस ऑफ द क्या हुआ डिस्क, ये डिस्क कंसिडर कर लो है ना डिस्क, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें दूसरा टाइप हम देखेंगे है ना कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल है ना, क्या होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द शेल। एंड हम लोग जानते भी हैं कि इनसाइड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, तो इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा है ना, वो देखेंगे। तो अभी अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू क्या होगा, चार्ज कंडक्टिंग सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल लिख लो, है ना, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, है ना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो क्या है ना, कि यही क्या है, कोई शेल है ना, शेल पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्मेड है। तो मैंने बताया था कि शेल जो है दो तरह से क्या होता है, बिहेव करता है ना, जो शेल जो होता है वो क्या है, दो तरह से, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, है ना, क्या आर मान लिया, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है ना। तो मैंने ये बताया था कि शेल क्या है, देखो बाहर के लिए इसका बिहेवियर क्या है, अलग होता है, अंदर के लिए क्या है, बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है। तो पहले हम लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, जबकि क्या हो, आर जो हो क्या होगा, स्मॉलर देन क्या होगा, इक्वल, लेस देन क्या होगा, आर होगा, इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, और आउटसाइड क्या होता है, ये पॉइंट की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या लिखा, कैलकुलेट करेंगे, क्या पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, क्या होगा, पोटेंशियल एट क्या होगा, एट एनी पॉइंट पी, इफ पी लाइज आउटसाइड ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर से क्या है, बाहर है, ठीक है, आई मीन आउटसाइड है। देखो क्या है, यही क्या है, शेल है ना, शेल आई मीन साइज सेमी रखो, तुम लोग सेमी ड्रॉ करना, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर क्या है, वो है, और यही क्या है, इसका रेडियस आर दिया, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या है, आपसे कोई पूछा है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, है ना, क्या होगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हम सिंपल डेफिनेशन जानते हैं, वही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम उसको ही यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल डेफिनेशन क्या है, देखो तो वी एट पी माइनस वी एट इंफिनिटी इक्वल टू माइनस क्या होगा, ई है ना, क्या होगा माइनस ई डी आर इंफिनिटी टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टू आर, यही होता है ना क्या होता है, यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, यदि कुछ नहीं दिया रहता है तो इन्फिनिटी पे हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी आर ई डी आर, ई का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, ई का वैल्यू क्या है आउटसाइड के लिए, कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, तो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर क्या होगा, डी आर। अब इसमें से कॉमन ले लो तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, आर रेज टू 2 डी आर माइनस इन्फिनिटी टू आर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हुआ, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इंटू क्या होगा, देखो प्लस वन क्या करोगे, माइनस देखो तो इस पावर वन ऐड करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन r क्या होगा, इन्फिनिटी टू क्या होगा, r हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p इक्वल टू क्या हुआ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हुआ, r हो गया, ठीक है ना।
तो ये पोटेंशियल अपने को क्या हुआ, मालूम चल गया, ठीक है। कि देखो तो ये क्या है, ये तो वही पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यही हुआ क्या, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर, है ना, एट ए डिस्टेंस आर, है ना। यही हुआ क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो ये क्या हुआ कि क्या होगा, स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, सिचुएटेड एट इट सेंटर फॉर एनी पॉइंट आइदर ऑन द सर्फेस और क्या होगा आउटसाइड ऑफ इट। तो यहाँ आप नोट में लिख सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स थीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स थीरम बोलते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नोट में, यहां लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, देखो, है ना, कि क्या होगा फॉर एनी पॉइंट, क्या होगा स्फेरिकल शेल, क्या होगा स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल शेल विल, क्या होगा विल, स्फेरिकल शेल वी हैव लाइक, क्या होगा लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर सेंटर फॉर एनी पॉइंट, है ना, आइदर आइदर ऑन इट्स सरफेस और क्या होगा आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इट, है ना। आई मीन आपको क्या करना है, यदि स्फेरिकल शेल के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या करो, सिंपल क्या करना है, शेल को क्या करना है, एक पॉइंट के चार्ज के रूप में क्या करना है, देखो यही शेल हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, है ना, क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यही क्या है सेंटर है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, इसके सेंटर से पी पॉइंट पे क्या करना है मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस बाय दिस स्फेरिकल सेल बाय ए पॉइंट चार्ज विच विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ओ, यही क्या हुआ प्लस क्यू, और इससे सिंपल क्या करेंगे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होगा आर होगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या हुआ मालूम चल गया, ठीक है, क्या हुआ मालूम चल गया। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे, क्या होगा देखो, तो आर रखोगे, है ना, तो सरफेस पे क्या होगा, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, है ना, यही होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, है ना। तो यहां लिख सकते हो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ऑन द क्या होगा सरफेस, सरफेस पे जो होगा क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा रेडियस ऑफ द क्या होगा स्फीयर, और इनसाइड क्या होता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो क्या लिखेंगे, ये समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब क्या है दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि अगला जो है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल, है ना, एट एनी पॉइंट, क्या होगा एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा सेल, ठीक है, क्या होगा सेल। अब देखो क्या होगा कि यही सेल है, है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये सरफेस है, यही सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है यार, क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वी पी, आई मीन कोई भी पॉइंट पी है तो हम सरफेस से यहां कंसीडर करेंगे, सरफेस से बाहर क्या होगा फील्ड जीरो नहीं होगा, तो जहां जीरो हो रहा है वहां से पी पॉइंट पे, तो वी पी माइनस क्या लिखेंगे वी एस
इक्वल टू क्या लिखेंगे आर, ठीक है आर, तो मान लो कि ये क्या है स्मॉल आर डिस्टेंस पे है आर, है ना, क्या लिखेंगे माइनस ई डी आर, ठीक है क्या लिखेंगे माइनस ई डी आर, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बाद में लिखते हैं ना। अब ये क्या होगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया जीरो हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा वीएस, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा स्फेरिकल शेल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल एंड इट विल बी क्या होगा कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा थ्रू आउट, क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि वी पी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो शेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम होगा, आई मीन शेल के अंदर क्या होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है या वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां दो पॉइंट लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, शेल के लिए हम क्या करेंगे सभी एक जगह हम कंसीडर कर लेते हैं, आई मीन एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं सभी पॉइंट्स, क्या होगा याद रखना है कि पहले मैं ई लिख देता हूं, देखो ई इज इक्वल टू क्या होगा जीरो जब आर क्या होगा लेस देन आर होगा, इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, है ना, जब आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आर होगा, वी क्या होगा वी इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा और कितना होगा क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो आर, जब क्या होगा आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा आर और ग्रेटर देन क्या होगा क्यू अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो क्या होगा आर, जब आर क्या होगा लेस देन इक्वल टू आर होगा, ये किसके लिए है सेल के लिए, है ना। फॉर क्या होगा फॉर क्या होगा कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और क्या होगा कंडक्ट शेल स्फीयर चार्ज, क्या होगा चार्ज चार्ज स्फेरिकल, है ना स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब क्या है इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ग्राफ जब ड्रॉ करोगे देखो पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, यहाँ क्या होगा ई हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है जीरो होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो आर इक्वल टू आर तक क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा ये ऐसे डिक्रीज होगा, इधर क्या होगा ई क्या होगा जीरो होगा, है ना, और इधर क्या होगा ई जो होगा वो क्या होगा ई विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर, है ना। सरफेस पे कोई पूछे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ई मैक्सिमम होगा, क्या होगा ई मैक्स होगा और क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो होता है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करें, देखो ध्यान से इधर हमने क्या लिखा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इनसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, है ना, क्या होगा कांस्टेंट होगा, और आउटसाइड क्या होगा इट विल बी क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आई मीन वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा, ठीक है। तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा तो सरफेस पे होगा, और जितना सरफेस पे होगा उतना ही क्या होगा स्फेरिकल शेल और क्या होगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होगा कितना होगा के क्यू अपॉन क्या होगा आर होगा, और क्या लिखेंगे ऑन द क्या होगा आई मीन ऑन द सरफेस और एट एनी पॉइंट ऑन इनसाइड द क्या होगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और क्या होगा स्फेरिकल शेल होगा, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार डायरेक्ट ग्राफ क्या हुआ है पूछा गया है, तो आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो वी एस, ये क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, है ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।